हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज का रेसिपी है बनाना मालपुआ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और इजीली आप घर में बना सकते हो। तो सामने जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, तो जन्माष्टमी में आप इसको घर में ट्राई करें और आई एम श्योर कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी वीडियो को। तो बनाना मालपुआ बनाने के लिए पहला इन्ग्रीडियंट्स जो आपको चाहिए वो है बनाना, ऑब्वियसली। तो बनाना को आप पहले अच्छे से मैश कर लें मिक्सिंग बोल में। मेक श्योर कि आपका केला अच्छे से मैश हो जाए, कोई दाना ना रह जाए। तो जैसे ही आप बनाना अच्छे से मैश कर लेते हैं, साथ ही साथ उसमें आप एक कप मैदा डाल दें। अगर आप ज़्यादा बनाते हो तो इसका डबल डालिएगा मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक कप मैदा डाल दिया है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे डाला है हाफ कप सूजी। उसके बाद ऐड किया है मैंने यहाँ पे हाफ कप शुगर। शुगर आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो, और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। एंड मैंने ऐड किया है सौंफ, यहाँ पे एक टेबल स्पून के करीब सौंफ है। तो बस अभी इसे पहले आप अच्छे से मिला लें। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप इसमें धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करेंगे और इन चीज़ों का एक अच्छा सा स्मूथ सा आपको बैटर रेडी करना है। तो अब ध्यान में रखें कि आप एट ए टाइम ज़्यादा मिल्क ऐड ना करें, नहीं तो शायद ज़्यादा पतला हो जाएगा बैटर। तो मैंने यहाँ पर करीब एक कप की जैसा दूध लिया है, तो आप जितने हिसाब से बनाओगे उस हिसाब से आप मिल्क ऐड करें। तो देखिए यहाँ पे मेरा बैटर एकदम से रेडी है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी आपको रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। तो बस बैटर रेडी हो जाने के बाद इसे आप ढक के 30 मिनट के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था तेल गर्म होने के लिए, और अभी मैं धीरे धीरे करके मालपुआ फ्राई करूँगी। तो आप ध्यान में रखें कि जब भी आप मालपुआ फ्राई करेंगे तो हीट आप लो टू मीडियम हीट में ही इसको फ्राई करें। ज़्यादा हाई हीट में करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो धीरे धीरे करके एक एक करके आप सब जो बनाना मालपुआ रेडी किए थे वो सब फ्राई कर लें। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। तो बस इसे आप गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, आप ऐसे ही खा सकते हैं, या अगर चाहें तो आप इसे चाशनी में भी डुबो के खा सकते हैं। तो गर्मा गर्म मालपुओं को आप चाशनी में डुबोएं और एंजॉय करें। ये बहुत ही एक यम्मी सा रेसिपी है, आप डेफिनेटली इसे ट्राई करें और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छे लगने से आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी जन्माष्टमी।